आगामी लोकसभा चुनावों से पहले एक तरफ जहां विपक्षी एकता की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब केंद्र में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में 2024 में विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिरने के लिए भाजपा मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि भाजपा लगभग सभी राज्यों में ताकतवर सहयोगियों की तलाश कर रही है, पर पार्टी की नजरें बिहार पर ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठजोड़ के कारण राज्य में भगवा पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में भाजपा भी अब अपने पुराने सहयोगियों को मनाने में जुट गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन इस वक्त मजबूत है, ऐसे में भाजपा के सामने गठबंधन करने के लिए सीमित विकल्प है। हालांकि इस वक्त बिहार में चार दल भाजपा के नजदीक नजर आ रहे हैं। अगर गौर करें तो रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान और बीजेपी की नजदीकियां खूब सुर्खियां बटोर रही है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करके चिराग पासवान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वे मोदी के हनुमान बने रहना चाहते हैं, पर पशुपति पारस के एनडीए में रहने के कारण उनकी दोस्ती परवान नहीं चढ़ पा रही है। वैसे बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि चाचा भतीजे दोनों को साध कर रखा जाए, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा आगे क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बीजेपी गठबंधन करने की तैयारी में है। ये पहले एनडीए के साथ रह भी चुके हैं। वैसे जिस तरह से विपक्ष का कुनबा पूरे देश में एकजुट हो रहा है, उसी तरह से भाजपा भी बिहार के साथ साथ देश भर में अपने पुराने सहयोगियों को मनाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ऐसी चर्चा जोरों पर है कि इन तीनों नेताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। संभव है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन पर मोहर लग सकती है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी, जिसका सियासी नुकसान बीजेपी और अकाली दल दोनों को ही उठाना पड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अकाली दल का भी एनडीए में वापस आने की उम्मीद दिख रही है। इसकी वजह यह है कि पंजाब में दोनों ही दल अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए चुनौती से जूझ रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे थे, जिसके बाद से ही सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि दो पुराने सहयोगी फिर से एक हो सकते हैं। इस तरह भाजपा देश भर में अपना कुनबा मजबूत करने में जुट गई है। खासकर बात बिहार की करें तो नीतीश कुमार की बढ़ती ताकत को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा कितने दलों को साधने में कामयाब होती है। वैसे भी बीजेपी 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बिहार में किस्मत आजमा चुकी है और फिर उसी फॉर्मूले पर कदम बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में देश और प्रदेश में एनडीए और विपक्ष के बीच कैसी टक्कर देखने को मिलती है।